एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनआईटी जो होती है उसमें फी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या फी स्ट्रक्चर वहां पे रहता है सेमेस्टर वाइज और कितना आपको पैसा वहां पे खर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। एनआईटीज की जो काउंसलिंग होती है सीसीएमएन काउंसलिंग उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कितनी फ्रीजिंग के लिए फ़ी आपको सबमिट करनी पड़ती है, इनिशियली स्टार्टिंग में कितनी फ़ी करनी पड़ती है। ये वो फ़ी है जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से पे करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप वीडियो जो है किसी भी तरीके की मिस ना करें, नेट गेट आईआईटी जेएम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 20 एनआईटीज है, दो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो फंडेड है, नेशनली फंडेड इंस्टीट्यूट है। तो 20 एनआईटीज तो टोटल 22 यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जिससे सीसीएमएन की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू एडमिशन लेती है एमएससी में या इंटीग्रेटेड पीएचडी यहाँ पे प्रोग्राम है। तो पहली बार अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट्स की तो देखिए अराउंड ये फ़ी चेंज होते रहती है ईयर वाइज, है ना, एक जनरल आइडिया आपको पता चल जाएगा इससे। तो सबसे पहले अगर बात करें एनआईटी जालंधर की तो यहाँ पे लगभग 30,000 रुपये जनरल की कैंडिडेट को पे करने होते हैं और ऑलरेडी आप जो है 10,000 रुपये जो है फ्रीजिंग के टाइम पे दे चुके होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे इससे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो यानी को आपको लगभग 20,000 रुपये पहले सेमेस्टर में फ़ी पे करनी है। इसके अंदर सारी फ़ी है, है ना, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या इसके अंदर 29,000 के अंदर है। और एससी एसटी के लिए 22,000 यहाँ पे है, एनआईटी जयपुर में 43,000 बहुत ज़्यादा है देखो, और सेमेस्टर की फ़ी और यहाँ पे 24,000 रुपये है। और फिर एनआईटी भोपाल में 52,000 रुपये हैं, 17,000 रुपये एससी एसटी के लिए, बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। एनआईटी इलाहाबाद में 31,000 रुपये ठीक ठाक है, आईआईटीज के करस्पॉन्डिंग ही है और यहाँ पे बराबर है एससी एसटी के लिए भी। एनआईटी अगरतला में यहाँ पे आपको वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। कैलकट में देखें तो 17,000-10,000 बहुत कम है देखो, दुर्गापुर में 38,000 और एनआईटी हमीरपुर में 37,000 है, कर्नाटका सूरतकल में और 37,000 ही है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी। एनआईटी मेघालय में 63,000, एनआईटी नागालैंड में 47,000 और सिक्किम में 16,000 रुपये। फिर यहाँ पे बात करें राउरकेला में 38,000 है, ज़्यादातर बच्चे चूज करेंगे इसको। सिलचर में है 24,000 रुपये, श्रीनगर में है 61,000 रुपये, पल्ली में है 46, ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं। वरंगल में 39,000, नागपुर में 24,000 और शिवपुर में है 22,000 रुपये। और ये यहाँ पे जो लोंगे वाला यानी कि बॉर्डर आपने पिक्चर देखी होगी, है ना, तो पंजाब के आसपास है, यहाँ पे है 34,000। उसी के करस्पॉन्डिंग आप एससी की फ़ी देख सकते हैं मेघालय में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी फ़ीस आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, तो इनको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये जो फ़ी है ना ये किसके रिगार्डिंग है। जैसे आपको इतनी फ़ी दिख रही है तो फ़ी बहुत एक ज़्यादा अमाउंट में दिख रही है, तो ये फ़ी किस किस चीज़ के लिए आपसे ली जाती है वहाँ पे। तो देखो जो बच्चे हमारे एनआईटीज के लिए एडमिशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, उनको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो फ़ी है वो थोड़ा सा आईआईटी से हायर साइड तो है ही, इस बारे में आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते, थोड़ा सा हायर साइड तो है ही, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, एवरेज ही रहने वाली है। देखो इसके अंदर आपकी मैस फी आती है, हॉस्टल फी आती है, मोस्ट यानी 70% जो इस फीस का हिस्सा है वो आपका मैस और हॉस्टल के अंदर है, ओके, इसका है 70%। बाकी 30% आपका एक्सपेंडिचर मेडिकल आपका है ना, और फिर आपके जो स्टडी मटेरियल्स है, ट्यूशंस फी उसके अंदर आएगी, ये सारा का सारा केवल 30% है। मतलब पढ़ने की फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, ज़्यादा फ़ी किसकी है, हॉस्टल और मेस की, खाने की, क्योंकि आपको खाना अच्छा यहाँ पे मिलेगा। तो ईयर के हिसाब से देखें अगर ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये किसी इंस्टीट्यूट की फ़ी है, तो अगर एक साल के बारे में देखें, एक साल की आपकी है ना सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो 6 महीने की ये फ़ी रहेगी पर सेमेस्टर के हिसाब से। तो अगर ऑन एन एवरेज इतना ले लें तो 8,000 रुपये पर मंथ के आपको फ़ी करने हैं। तो इसमें आपका हॉस्टल भी है, आपको रूम भी मिलेगा, आपको रहने खाने के लिए भी मिलेगा, आपकी पढ़ाई भी होगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। घर पर भी आप रहोगे इतना खर्चा हो ही जाता है, ठीक है, ट्यूशन वगैरह में, कोर्सेस में, इधर उधर 7-8 हज़ार रुपये तो खर्च हो ही जाता है ना। अगर आप दिल्ली में केवल मान लीजिए दिल्ली में अगर आप केवल तैयारी करते, ठीक है, प्रिपरेशन भी अगर करो आईएएस पीसीएस की, तो कम से कम आपको 5
5 to 10,000 में रूम मिलेगा, फिर आपका 10 to 15,000 खाने का, यानी कि केवल इन दोनों का ही खर्चा महीने का आपका 10 से 15,000 रुपये खाने और रहने का, जबकि यहाँ पे खाने रहने का और सारी बाकी फैसिलिटीज़ का खर्चा टोटल 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, है ना, इतना कम है। मतलब ये इंस्टीट्यूट्स और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा फ़ी है। आप इसके लोन वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपको परेशानी है। स्कॉलरशिप आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप पे अलग से वीडियो आएगा कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी आपके मित्र हैं जो कि CCMN की काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं या NITs की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और IITs के लिए भी अलग से वीडियो बनाया उसको भी आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।